ओम शांति। आज बाबा ने डबल ओम शांति कहा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का स्वधर्म शांति है। इसलिए हमें सुख और शांति का वर्षा लेने के लिए, सर्व खजानों को प्राप्त करने के लिए शिव बाबा को निरंतर याद करते रहना है। किसी को भी दोषारोपित नहीं करना है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। जो हो रहा है वह कल पहले भी हुआ था, लेकिन जो होगा यदि हम उसमें अच्छे कर्मों का बीज बोएंगे तो वह कल्प बाद भी वैसा ही होगा। यदि इस कल्प में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। इसलिए शिव बाबा कह रहे हैं कि हर युग 1250 वर्ष का है, तो 1250 वर्ष का एक युग और चार युग मतलब 5000 वर्ष। तो सत्युग और त्रेता के जो 50-50 वर्ष हैं वो संगम युग पर आकर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें वर्षों की गिनती में नहीं फंसना है, हमें शिव बाबा को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करते रहना है। होता ये है कि हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर, क्योंकि आत्मा तो 63 जन्मों का रोगी है, तो हम दोषारोपित करते हैं। हम रावण को, मनुष्य को, किसी परिस्थिति को दोष देकर अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। लेकिन आप दोष देंगे तो निर्दोष नहीं बन पाएंगे। तो दोष मुक्त होना है तो सारी कमी कमजोरियों को शिव बाबा को सौंप कर उसे याद करना है। भक्ति काल में श्रीमद् भगवद गीता क्यों नहीं सफल हुई? क्योंकि कृष्ण के मत को उन्होंने मतलब देह के रूप में देखा। यदि कृष्ण को भी वो आत्मा के रूप में देखते तो आत्मा का ज्ञान लुप्त नहीं होता। लेकिन ये ड्रामा है, सृष्टि चक्र को फिरते रहना है। 5000 वर्ष की कहानी, इसका ना आदि है ना अंत है। तो कृष्ण को देह के रूप में दिखाया, इसलिए आत्मा का ज्ञान विलुप्त हो गया। तो इसीलिए तो शिव बाबा को आना पड़ता है। शिव बाबा कहते हैं कि इससे ऊंची मत, इससे श्रेष्ठ मत तुम्हें कभी कहीं नहीं मिल सकती। तो बाबा के सारे वाक्य, सारे महावाक्य अनुभव रूपी, अनुभव प्रसूत होते हैं, अनुभव से जुड़े हुए होते हैं। हर वाक्य को, हर अक्षर को, हर शब्द को उसी की स्थिति में, जैसे शिव बाबा कह रहे हैं, उसी स्थित में, उसी स्वरूप में स्थित होकर हम सुनेंगे तभी हम मूल ज्ञान को, शिव बाबा के ज्ञान को समझ पाएंगे। साक्षात्कार आदि से कुछ नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हमें लाइट की अनुभूति हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए, उससे कुछ नहीं होगा। क्षणिक लाभ, उसके बाद दुख ही दुख। तो उस क्षण भर के लाभ के लिए नहीं करना है, अपने जीवन को धारणा मूर्त बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए। और हमें स्वयं या हम जितने लोग सुनते हैं मुरली को रोज, बाबा रोज हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं, तो उसका मतलब यही है कि हम स्वयं अच्छा बने फिर दूसरों को बनाए। स्वयं नहीं बनेंगे, दूसरों को हम भाषण देकर हम स्वस्थ नहीं कर पाएंगे दूसरों को, मतलब आत्मा को। तो इसलिए शिव बाबा को निरंतर याद करने का, निरंतर, क्योंकि कभी कभी याद करेंगे तो वर्षा भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो निरंतर सदा। मुरलियों में एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है और उसको अंडरलाइन करना चाहिए, सदा। इसलिए सदा सहयोगी, सदा योगी, सदा निर्विकारी स्थिति, सदा निरहंकारी स्थिति, सदा निराकारी स्थिति बनी रहे। इसलिए सदा शिव बाबा को साथी बनाओ। और साथी कब बनेंगे? जब शिव बाबा, जब हम साक्षीपन की स्थिति लाएंगे, साक्षी होकर ड्रामा को, परिस्थितियों को देखते रहना है और उसे साथी बनाकर चलते रहना है। ओम शांति।